चाहते हो कि लैंडस्टेन में दोबारा खून खराबा हो? खून खराब? सो अरमान द रिपर इज बैक। जंप। हमारे रास्ते अब अलग है। अरमान ने ली बेगुनाह की जान, क्या वीर पता लगा पाएगा अरमान के बदले हुए बिहेवियर का राज? कलर्स टीवी शो तेरे इश्क में घायल के अपकमिंग एपिसोड में हम सभी देखेंगे वीर अरमान को ढूंढते हुए अरमान के पास पहुंचा। वीर ईशा को अपने साथ लेकर नहीं आया क्योंकि वो चाहता है कि ईशा इन सब से दूर रहे, क्योंकि अगर ईशा अरमान को ढूंढेगी तो वो सिकंदर की वजह से किसी मुसीबत में भी फंस सकती है। तो वीर अकेले अरमान के पास पहुँचा और वो अरमान को अपने साथ वापस चलने के लिए बोलता है। इस पर अरमान बोलता है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, अगर तुम चाहते हो कि लैंसडेल में एक बार फिर से खून खराबा हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वीर को पता है कि अरमान ऐसा नहीं है। वीर अरमान से बोलता है कि मेरे सामने तुम प्रिटेंड मत करो, मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। अब अरमान वीर को ये दिखाना चाहता है कि अरमान सच में बदल चुका है और वो किसी की भी जान ले सकता है। लैंसडेल में अरमान के होने से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। अरमान वहाँ पर पास में खड़ी किसी लड़की को बोलता है जंप और वो जंप कर जाती है। इसके बाद अरमान वीर से बोलता है कि अब तुम खुद ही पता लगा लो कि जो कुछ भी मैंने कहा वो सच है या फिर सिर्फ एक नाटक था। अभी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या वीर पता लगा पाएगा कि आखिर अरमान का बिहेवियर क्यों बदल गया है। आप क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।